أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على اهلها اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو اصدق القائلين وقوله الاحسن بسم الله الرحمن الرحيم यादीन आमनोकुम तुम इलात फ़ागसलो वजुहकुम वुमिलमराफिको बोसकुम वरजुलकुम एल काबाइन सदक अल्लाजम बरदरा नमानी हमारे गुफ्तु का सिलसिला चल रहा है मौज़ गुफ्तु है वज़ू और वज़ू के अकाम सबका नशस्त में अर्ज हुआ कि मुकलत को मकलत बनकर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और मुश्तिन और आयात अज़ाम के हदूद में दाखिल होने से गुरेज करना ज़रूरी है ताकि वो अपनी हदूद में ज़िंदगी गुज़ारे अपने हदूद में ज़िंदगी गुजार कर अपनी ज़िम्मेदारी की अदायगी के लिए जद जहद करें कोशिश करे, करे इस्तलाल और बराहन क़ायम करना किसी भी चीज़ पर किसी भी फ़िकहरी मसले के ऊपर ये मुश्तदीन का काम है और आयत-ए-उजाम का काम है उनके काम को उनके लिए रहने दें और हमें हम जैसे लोगों को जो न क़ुरान सन्नत वजमा से बराह रास्त इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने मसले मसाइल का हल निकाल सकते हैं और ना ही एहतियात पर अमल करने के लिए हमारे पास इतना अलम मौजूद है तो लिहाजा हमारी जिम्मेदारी ये है कि फखाए अज़ाम जो फतवा दें जो तरीक़ा अब हमें बताए उस तरीके पर अमल करें और बड़ी वाजालफा में वाज हदीस मौजूद है आ, इमाम ज़माना तआला अज्जल तर्जरीफ से जैसे कि तकली की बहस में हम बयान कर चुके बहुत सारी आयत के ज़रिए से इस्तलाल किए और इसी तरीके से रिवायत के ज़रिए से और सीरत सीरतम के ज़रिए से इस्तलाल करके हम बयान कर चुके जो लोग ख्वाहिश रखते हैं तफसी की तो उन्हें चाहिए कि वो मतीन चैनल पर हमारी तकारीर और दुरुस्त मौजूद हैं उस वहाँ पर विज़िट करें और इसफ़ाद करने की कोशिश करें तो मोला खुद फ़रमा कर पर्दे गैब में चले गए इरशाद फरमाए कि फ़ाहमल हवादलवात फ़र्ज उत हदीसना फ़ा हजरत वनाजतल आ हवालस जो, जो वाक़आत जो नए नए मसल मसाइल तुम्हें पेश आता है उसमें हमारे हमारी रिवायात बयान करने वाले हमारी अहदीस बयान करने वाले और क़ुरान और सुन्नत व और सरत इजमाक़िल की रोशनी में फ़तवा देने वाले जो फ़ाहा हैं जो हैं जो मुज्तहिदीन हैं उनकी तरफ रजू करो फ़ा हुज्जती अलैकुम क्योंकि वो मेरी तरफ से तुम्हारे ऊपर हजत है वाना हजतल आल और मैं परव आलम की तरफ़ से उनके ऊपर हर है तो लिहाजा नियाबत अमूमी के लिए वाज दलील मौजूद है अज़ाम की और मुतहदीन कराम की तो उनकी नियाबत को कबूल करके उनकी तकलीद और उनकी पैरवी करते हुए उनके फ़तवा पर अमल करना यह हम सब सबकी ज़िम्मेदारी है फतवा परमल करना बेअ हरग़ नहीं है इस बेअ के ज़रिए से वस बेहत को तकलीद के साथ मिक्स मिलावट करके सेहूनीत और इसी तरीके से यहू यहूद नसारा और मिल्लत तशैय के जो दुश्मनान हैं वो लो लोगों को लो आवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि जी तकली तो इमाम की होती है इमाम ज़माना जल्ला शरीफ जब तशरीफ़ लाएंगे हम उनकी तकलीद करेंगे इस तरह की उल्टी सीधी बातें करके लोगों को गुमराह किया जाता है इमाम की बेअत होती है और मुशत की तकलीद होती है और मुशत की तकलीद दर हकीकत मुशतद की बेअ नहीं है बल्कि मुशतद जो क़ुरआन व सुनत वजमाल और सीरत हजरत वाम के ज़रिए से इस्तेद करके जो फ़तवा सादिर फरमाता है या बाल फज दिगर कुरआन व सुनत इजमा वरत हजरतम की रोशनी में हासिल होने वाले मसले का हल उसके ऊपर हम अमल कर रहे होते हैं <coughs> अगरचि मुश्तन बराह रास्त क़ुरान व सुनत इजमा वकील और सरत आजरतम के ज़रिए से करने में बरह रास्त वो आ, आ, उनका किरदार है उनकी आ, यानी सीरत है हमारे लिए और उनकी इतनी मुश्किलात में इतनी तकालीफ के अंदर अपने आप को डाल कर करके कोशिश करके वो फतवा दे रहे हैं तो उनका एहसान है हमारे ऊपर तो लिहाजा इस्तदलाली मवारिद में चाहे वो वज़ू का मसला हो चाहे नमाज का मसला हो चाहे रोज़े का मसला हो चाहे पर्दे का मसला हो खुवान को गुमराह करने की कोशिशें की जाती है कि जी क़ुरान की आयत एक ही आयत तो है या मसलन दो तीन आयत तो है कौन सी हदीस है कौन सी यह हदीस और रिवायात और इजमाव अक़िल की गुतगु होनी ही नहीं चाहिए ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है हम कायम करने वाले लोग नहीं हैं हम तकलीद करने वाले लोग हैं जो हुक्म दिया जाता है उस पर अमल करने वाले लोग हैं हाँ अगर हम बरह रस्त कुरान को सौ फ़ीसद समझे सुन्नत को सौ फीसद समझे इज्मा अक्ल को हजरत वसलम की सीरत को सौ फ़ीसद समझे तो हम ख़ुद मुश्तद बने और हम ख़ुद एहतियात पर अमल करें किसी की तकलीद करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप जो काम मुशतजन के हैं उनको उन्हीं के लिए रह दीजिए आप अपना काम कीजिए जो आपको हुक्म दिया जाता है उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए तो लिहाजा वज़ू के मसले के अंदर भी यही है वजू वज़ू के कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन किए जाते हैं एतराज़ किया जाता है कि जी ऐसा क्यों है ऐसा क्यों नहीं है तो ये ऑबजेक्शन आपकी तरफ से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम जो है मुखलद हैं हुकुम की तामील करने वाले लोग हुक्म की पैरवी करने वाले लोग हैं और इसतलाली मवारद को मुश्तदीन के लिए छोड़िए तो अर्ज हो रहा था वज़ू के बारे में वज़ू इजमालन अगर बयान करें तो तीन आज़ा को धोना और तीन आज़ा पर मसह करना ये वज़ू का टोटल वो है फार्मूला है तरीक़ा है और इस तरीक़े को अपनाएँगे तो वज़ु मुकम्मल हो जाएगा और वज़ू के दौरान अज़ाय वज़ू के ऊपर पानी बहाना ज़रूरी नहीं है पानी पहुँचाना काफ़ी है मसल आपका हाथ गीला है या पानी के अंदर डुब कर आप हाथ के ऊपर हाथ के हर अज्ज़ के ऊपर पानी पहुंचा देते हैं तो काफ़ी है बहाना ज़रूरी नहीं है इसी तरीके से चेहरे के ऊपर अगर आप हाथ को डुबो कर चेहरे पर पानी पहुँचाएँ बहाना और पानी का टपकना और पानी रवान होना ये ज़रूरी नहीं है पानी पहुंचाना काफ़ी है यानी तीन आज़ा चेहरे का दोना वाजिब है सबसे पहला और दूसरा सीधे हाथ का कोहनीों समेत दोना और उल्टे हाथ को कोहनीों समेत दोना ये तीन आज़ा का दोना वाजिब है और इसी तरीके से तीन आज़ा पर मसाह करना वाजिब है सर के अगले हिस्से के ऊपर मसाह करना ये वाजिब है और पैरों को पैरों के ऊपर वाले हिस्से पर उंगलियों से लेकर टखनों तक जोड़ तक मसाह करना आ, सीधे हाथ से सीधे पैर का उल्टे हाथ से उल्टे हा, पैर का ये मसा करना ये दो मसाह तो तीन मसाह हैं और तीन धोने के चीज़ें हैं जो कि वाजिब है नियत करने के बाद आप डायरेक्ट चेहरा धो सकता है वाजिब है इसी तरह से सीधे हाथ को धोएं फिर उल्टे हाथ को और उसके बाद सर का मसा और दोनों पैरों का मसा करने के बाद आप फारिग हो गए वजू से लेकिन कुछ मुस्तहबात भी है मसलन दोनों हाथों को कलाइयों से धोना ये मुस्तहब है इसी तरह मुंह में तीन दफ़ा पानी डालना ये भी मुस्तहब है नाक में पानी डालना ये भी मुस्तहब है ये इसबाब में है वाजिब नहीं है तो वाजिब सिर्फ़ तीन चीज़ों का धोना वाजिब है चेहरा और दोनों हाथों का धोना और तीन चीज़ों पर मसा करना वाजिब है सर के अगले हिस्से का और दोनों पैरों के उंगलियों से लेकर जोड़ तक जो टखना है उससे ऊपर जो जोड़ है वहाँ तक मस करना आयतल सैदर हुसैन सिस्तानी मदजल आलि के फतवा के मुताबिक ये ज़रूरी है इसके ज़रिए से वज़ू मकम्मल हो जाता है तो आप फरमाते हैं कि वज़ु में वाजिब है कि चेहरा और दोनों हाथ धोए जाएँ और सर के अगले हिस्से और दोनों पाँव के सामने वाले हिस्से का मसाह किया जाए और इसी तरह फरमाते हैं चेहरे को लंबाई में पेशानी के ऊपर उस जगह से लेकर जहाँ सर के बाल उगते हैं ठोड़ी के आखिरी किनारे तक धोना ज़रूरी है और चौड़ाई में बीच की उंगली और अंगूठे के फैलाव में जितनी जगह आ जाए उसे धोना ज़रूरी है बीज की उंगली और अंगूठे के दरमियान जितना हिस्सा जितनी जगह आती है उसको धोना वाजिब है और चेहरे के ऊपर यानी बाल उगने की जगह से लेकर पेशानी के ऊपर से जहाँ बाग बाल उगते हैं वहाँ से लेकर थोड़ी के इंतहा तक धोना आखिर तक धोना ये वाजिब हिस्सा है और अगरची इस मकदार के अलावा इस मकदार का ज़रा सा हिस्सा भी छूट जाए तो वजू बातिल हो जाता है यानी बिल फर्ज़ अगर हम सिर्फ़ वाजिब हिस्से को दोने लगेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा हिस्सा छूट जाए तो लिहाजा बेहतर ये है कि दाएँ साइड से और बाएँ साइड से भी थोड़े से हिस्से को दोए जाएँ और थोड़ी थोड़ी के नीचे भी थोड़ा सा हिस्सा धोए जाएँ ताकि हमें इतमान हासिल हो जाए कि पूरा चेहरा जो वाजिब हिस्सा है चेहरे का वो धो लिया है और इसी तरीके से और अगर इंसान को ये यकीन हो कि ज़रूरी हिस्सा पूरा धुल गया है तो यकीन करने के लिए थोड़ा थोड़ा इधर उधर से धोना भी ज़रूरी है जैसे कि अरज हुआ दाएं साइड से और बाएं साइड से थोड़ी की तरफ से और इसी तरह पेशानी के बाल उगने की जगह को सही तरीके से पानी पहुंचाएं और ताकि यकीन हासिल हो जाए कि हमने वाजिब हिस्सा पूरा धो लिया है इसी तरीके से फरमाते हैं अगर किसी शख़्स के हाथ या चेहरा आम लोगों की बनस्बत बड़े या छोटे हो, तो उसे देखना चाहिए कि आम लोग कहाँ तक अपना चेहरा धोते हैं और फिर वो भी इतना ही दो डालें अलावा अजीन अगर उसकी पेशानी पर बाल उगे हुए हों या सर के अगले हिस्से पर बाल न हो तो भी ज़रूरी है कि आम अंदाजे के मुताबिक पेशानी दोड़ डालें मसला चेहरा चेहरा बड़ा है मामूल से ज़्यादा बड़ा है हो सकता है तख्लीक के अंदर वो इख्लाफा मुखत, हो हो सकता है तो लिहाजा चेहरा बड़ा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि मामूलन आम तौर पर लोग जितना धोते हैं उतना वो अपने चेहरे को दोएँ ये वाजिब है और इसी तरीके से मिसाल के तौर पर हो सकता है हाथ बड़ा हो चेहरे के बजाय हाथ बड़ा हो यानी हाथ के उंगलियों के बराबर बीच में अंगूठा और दरमिया उंगली के बीच में अगर लाने लगे तो उसके हो सकता है हाथ इतना बड़ा हो कि कान भी उसमें शामिल हो सकता हो हो रहा हो यह भी मुमकिन है तो लिहाजा मामूल और में और आम के अंदर मामूला लोग जितना हिस्सा धोते हैं चेहरे का उतना हिस्सा धोना उसके ऊपर वाजिब है चेहरा बड़ा हो तो भी और हाथ इतना बड़ा हो कि चेहरे से आगे पीछे आ, हाथ की उंगलियां पहुंच सकती हो तो भी दोनों स्रोतों में मामूल के मुताबिक जो लोग धोते हैं उसके हिसाब से दोना इस बंदे के ऊपर जिसका चेहरा बड़ा हो या हाथ बड़ा हो उसके ऊपर वाजिब है और इसी तरीके से ऐसे अशखास भी हो सकते हैं जिनके जिनके बाल जो है पेशानी के ऊपर भी लंबे लंबे बाल होते हैं मुमकिन है तो उनके उनके लिए भी ज़रूरी यह है कि जहाँ तक लोग चेहरा धोते हैं उधर तक चेहरा धोएँ और इसी तरीके से हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके सामने का बाल काफ़ी जिड़ गया है और ऊपर तक बाल नहीं है पेशानी से ऊपर भी सामने का हिस्सा बिल्कुल खाली है तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो भी भीमू जितना हिस्सा लोग धोते हैं आम तौर पर उसके हिसाब से वो अपने चेहरे को दोएँ तो काफ़ी है वाजिब अदा हो जाता है और इसी तरीके से फरमाते हैं कि अगर बात अगर इस बात का एहतमाल हो कि किसी शख़्स की भू आँख के गोशों और होंटों पर मेल या कोई दूसरी चीज़ है जो पानी के उन तक पहुँचने में रकावट है और उसका यह इस्तेमाल लोगों की नज़रों में दुरुस्त हो तो ज़रूरी है कि वज़ु से पहले तहकीक़ कर ले और अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो उसे दूर कर ले यानी शक हो जाए अहतमाल मौजूद है कि हॉंडों के ऊपर कोई ऐसी चीज़ लगी हुई है या मसलन खाल उतर गई गई थी वो खाल वहीं पर किसी दूसरी जगह पर ऊपर चिपक गई ये अहतमाल मौजूद हैं और आम तौर पर उसको रकावट शुमार किया जाता है एक खाल थोड़ी सी खाल जो है उतरने के बाद दूसरी जगह पर चिपक गई और लोग भी कहते हैं इस जगह पर पानी नहीं पहुँचा और फ़्याम के अंदर तो उसके लिए ज़रूरी है कि वज़ू से पहले उन चीज़ों को सही तरीके से हटाएँ धोएं और उनको हटाने की कोशिश करें या मसल कोई दवाई लगी हुई थी दवाई चेहरे के ऊपर है वज़ू की जगह पर है तो उस दवाई की वजह से खाल तक पानी नहीं पहुंच सकता है और फ़याम के अंदर तो लिहाजा जरूरी यह है कि वो उस दवाई को पहले धो लें साबुन लगा कर साफ़ करें या तेल लगा हुआ है मसलन तेल रकावट बन सकता है खाल तक पानी पहुंचाने में तो उसको पहले दूर करना ज़रूरी है पहले मसलन लोशन लगाया लगाया हुआ था या दवाइयां दवाई लगी हुई थी तो पहले साबुन से उसको साफ़ करें सही तरीके से धोएं और उसके बाद वज़ू का वज़ू शुरू करें ताकि वज़ू का पानी खाल तक पहुँचे और वज़ू बातिल ना हो वज़ू दुरुस्त हो तो ज़रूरी यह है कि इन मसले मसाइल को दिक्कत के साथ तो देखें और समझें और उसके मुताबिक अमल करें ताकि हमारा वज़ू दुरुस्त हो जब वज़ू दुरुस्त होंगे तो नमाज़ दुरुस्त होगी नमाज दुरुस्त होगी तो इन अल्लाह ताला हमारी नमाज को कबूल फरमाएगा तो लिहाजा वज़ू अगर बातिल है तो समझ लेना चाहिए नमाज का कोई फ़ायदा नहीं है नमाज के लिए वज़ू का होना शर्द है वज़ू के बग़र तो नमाज होती ही नहीं है तो कबूल होना तो दूर के बाद नमाज दुरुस्त ही नहीं होगी जब वज़ू दुरुस्त नहीं होगा तो लिहाजा ज़रूरी यह है कि पाकिजी और नापाकी का ख़्याल रखें वज़ू करने के तरीक़े को वज़ु किस तरीके से करना है उसका भी ख्याल रखें सही तरीके से समझें और अजाए वज़ू को सही तरीके से पाक व साफ़ करने के बाद वज़ु करें ताकि वज़ू का पानी खाल तक पहुँचने में रकावट ना हो अगर रिकॉर्ड होगा जैसे कि अरद हुआ मुश्तद का फतवा है कि एक जर्र बराबर भी जर्र सा ज़रा सा हिस्सा भी अगर छूट जाए दोने से तो वज़ु बाल हो जाता है जब वज़ु बतिल हो जाता है तो नमाज़ चली गई तो लिहाजा ज़रूरी है इन चीज़ों को सही तरीके से दिक्कत से देखें और समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें परवरदिगार आलम से मेरी दुआ खुदा परवरदिगार हम सब को तरे दिन को समझने तेरे दिन की मारफत हासिल करने और तरे दिन के मुताबिक पेरा होने के तोफ़िक नाइफ़ फरमा व ममाय नाबलागुलमुबीन